हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजाज खान के ऊपर। जी, ये जो एजाज खान है, ये कैरिबियन आर्टिस्ट हैं, लफड़ा किए हैं, मैटर किए हैं, और आप जानते हैं लफड़ा इक्वल्स टू व्यूज। और इन्हें फेम कहीं से नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने कैरी मिनाटी से पंगा लिया। ये फेम के भूखे हैं, और कैरी मिनाटी ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ वो काम पूरा किया। उन्होंने सीधा सीधा सॉरी बोल दिया, एकदम मैच्योर तरीके से, कि कौन ले सुअर से पंगा, कीचड़ में अगर पैर रखोगे तो कीचड़ खुद उड़ के आएगा। और जी, उसी मैटर के कारण एक तरफ है ये रजत दलाल, जो पहले कैरी मिनाटी को ही गाली दे रहे थे, अब उन्हीं के साथ हो गए। अब पता नहीं क्यों, पता नहीं किस लिए, लफड़ा इक्वल्स टू व्यूज, फेम के भूखे। यस, ये फेम के भूखे हैं, और यही लफड़ा में बहुत सारे यूट्यूबर अपने हाथ रगड़ रहे हैं, ये उस पे एक ना एक वीडियो बना रहे हैं। तो मैं सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी एक वीडियो बना लेता हूं। और मैं पहले ही बोल देता हूं, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये जो एजाज खान है, फेम के भूखे, फेम के पागल, ये एक ओची वाले हैं। मतलब पहली बात तो वो ओजी होता है, ओची नहीं होता है। और ऊंचे आदमी, छोटे आदमी, क्या बोलूं मैं इन्हें, ये अपने आप को ऊंची समझते हैं, लेकिन ये अगर ये ऊंची बोलना चाहते हैं कि मैं ऊंची आदमी लोगे यार, तो वो बात अलग है। लेकिन ऊंची, अरे ब्रो, इट्स नॉट ओची, इट्स ओजी। लेकिन इन्होंने ओजी का भी मतलब बिगाड़ के रखा है। अब ओजी इनके लिए क्या होता था, ओल्ड इज गोल्ड, ओजी ओरिजिनल गोल्ड। बहुत सारे ओजी मतलब होते हैं, लेकिन ये ओजी को बना दिए हैं ओरिजिनल गंदगी। और लाइट को क्या हुआ मेरे, वेट अ मिनट, 3 2 1, वाह, लाइट आ गया। चलो, जैसे हम लोग जानते ही हैं, आजकल लफड़े बहुत हो रहे हैं, और लफड़े के वजह से व्यूज बहुत आ रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ किसी न किसी से लफड़ा कर लूँ। आप जानते ही रजत दलाल को एक एक से लफड़ा लेते हैं। मुझे एक चीज का पता नहीं कि हर एक जो लफड़े होते हैं ये ड्रेसिंग रूम में क्यों होते हैं। नो एल्विश यादव एंड मैक्सटन हार्म्ड इन दिस वीडियो। एजाज खान कैरी मिनाटी को ये बोले कि एक बाप के तरीके उन्हें सिखाया। अजय, आप बाप हो गए जी, हैं? उनके बातों में कोई लॉजिक नहीं है। ये बोल सकते थे एक भैया के तरीके से, अब बाप में घुस गए कि वो कहाँ, उनके कहाँ 40 मिलियन, आपके कहाँ 12 से 13 हजार। आप जानते हैं कि एक से एक ये सेलिब्रिटी हैं जो आजकल स्टाइल मारते हैं कि ये यूट्यूबर है, ये वो है, ये है, पर किन्हीं को नहीं पता कि जो वो खुद हैं, वो खुद धीरे धीरे यूट्यूब पे आ रहे हैं। जो एक्टर्स हैं वो यूट्यूब पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, आप जैसे जान सकते हैं, क्योंकि काम धंधा मिल नहीं रहा, इसलिए बिग बॉस जाना पड़ रहा है किसी किसी को। ये बोलते हैं कि हम एक्टर्स हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स नहीं, तो इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हैं आप लोग, आप इंस्टाग्राम से साउंड आउट कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम के जो लोग होते हैं जो इंस्पायर करते हैं सबको, उसको भी इन्फ्लुएंसर ही कहते हैं। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप लोगों को, तो आप क्या हुए, आप एक इन्फ्लुएंसर ही हुए। इनका दिमाग नहीं है, छोटे IQ पहले भी थे और छोटे IQ अभी भी है। इनका कहना है कैरी मिनाटी ने इन पे रोस्ट बनाया, पर कौन समझा ये जीरो ब्रेन IQ वाले आदमी को कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक रोस्ट नहीं बनाया, बस फालतू का पंगे लेने थे, उन्होंने फालतू का फेम चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये सब हरकतें की। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ, कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे और कुछ लोग जरूर होंगे। अब मैं जानता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं मेरे से सहमत जरूर होंगे ही होंगे, क्योंकि ये जो आदमी है, आपने इन्हें कितना बार देखा ही है, कौन कौन से मूवी में इनको आप देखे हैं, आप बस नाम बता दीजिए कि आप इनको कौन कौन से मूवी में देखे हैं और कौन कौन से में नहीं में देखे हैं। मतलब आप ज़्यादातर देखे ही नहीं, ये है कहाँ, ये कहाँ पर है, कहाँ गायब, ये एक मिस्टर इंडियन हैकर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर ही कर दीजिएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं सब्सक्राइबर घट रहे हैं, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ये बहुत मेहनत लगती है इसे वीडियो बनाने में। मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाथ रुका, बाय बाय।